टुडे द टॉपिक ऑफ माय लेक्चर इज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था एरिस्टोटल ने। यानी कि नेचर्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टू किंगडम के अंदर प्लेस किया गया। वन इज किंगडम एनिमेलिया एंड सेकेंड इज किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी ऑल ऑर्गेनिजम्स विच पोसेसेस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच आर ऑटोट्रॉफ आर इंक्लूड इन किंगडम प्लांटी। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती हैं, जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो किंगडम प्लांटी में आएंगे। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड आर इंक्लूड इन किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर हेटरोट्रॉफ और किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफ। अब किंगडम एनिमेलिया जो है वो हेटरोट्रॉफ, किंगडम प्लांटी जो है वो ऑटोट्रॉफ, यानी कि ये डिपेंडेंट है फॉर फूड, फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है, जबकि ये इनडिपेंडेंट है और अपनी फूड को इटसेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन शो करते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू इन अदर, जबकि किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स वन प्लेस से अदर प्लेस तक मूव नहीं कर सकते। इन डिफरेंट करेक्टर के बिहाफ पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को इन टू किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया, लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुजरता गया सब ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनकी स्टडी से कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुए। यहाँ पे एक हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है यूग्लिना की। यूग्लिना बेसिकली हमारे पास एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो के इसको सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया था इन किंगडम प्लांटी में, लेकिन ये किंगडम प्लांटी के अंदर है ड्यू टू द करेक्टर ऑफ ऑटोट्रॉफ, यानी कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और ये ऑटोट्रॉफ है। ये ऑटोट्रॉफ था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन दे आर प्लेस इन डार्क, लेकिन जब इसको डार्कनेस के अंदर प्लेस किया गया तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो खत्म हुआ और दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, यानी कि डार्कनेस में हेटरोट्रॉफ होता, जब इन पे सनलाइट पड़ती तो ये ऑटोट्रॉफ और इन डार्क प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये हेटरोट्रॉफ है। अब हेटरोट्रॉफ वाले करैक्टर इसमें एनिमल के हैं, सो इस करैक्टर की बिहाफ पे यूग्लिना इनमें एडजस्ट नहीं हो रहा था। इस तरह के सब अदर ऑर्गेनिजम्स भी थे जिन्होंने इन दोनों किंगडम के अंदर सम कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट किए थे। इस बेस पे साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1886 में अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल एक एकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने 1886 में एक थर्ड किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जिसे नेम दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। सो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस नहीं हो रहे थे इनको प्लेस किया गया किंगडम प्रोटिस्टा में, और किंगडम प्रोटिस्टा को हम कहते हैं किंगडम प्रोटोपिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटोपिस्टा इसको हम कहते हैं। सो ये हमारे पास है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी, और उसके बाद नेक्स्ट है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्लांटी के साथ साथ एक थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस किया जिसका नेम है किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटोटिस्टा।